इवनिंग एवरीवन। तो आज मैं एक बार फिर से आ चुका हूँ आसनसोल रेलवे स्टेशन पे एक नई जर्नी की शुरुआत करने। एक नई लोकेशन तो सोची थी लेकिन अभी फ़िलहाल इसी में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि आसनसोल से आज एक और नई जर्नी की शुरुआत हो रही है। माइंड मत करना क्योंकि बार बार एक जगह दिखा रहा हूँ, लेकिन एकदम थ्रिल वाली जर्नी होने वाली है। बहुत ही ज़्यादा यूनिक जर्नी आज मैं करने वाला हूँ। फिलहाल देख लो हमारे पीछे आसनसोल रेलवे स्टेशन और ये रहा हमारा इंडिया का नेशनल फ्लैग। कुछ इस तरीके का है हमारा आसनसोल रेलवे स्टेशन। टाइम अभी आप देख सकते हो 4:10 बाकी है और जो हमारी ट्रेन है 4 बजे की है। तो चलते हैं जल्दी से अंदर और अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको ट्रेन के अंदर दूंगा, कैसी रहती है हमारी जर्नी और क्या रहता है हमारा एक्सपीरियंस, सब कुछ आपके साथ डिजिटली शेयर करूँगा। तो चलो अब वीडियो को ट्रेन के साथ शुरू करते हैं। फाइनली गाइज हावड़ा के वेब से उनके साथ एंट्री हो रही है। शालदा जलियांवाला बाग एक्सप्रेस। ये सेकंड क्लास। ये आ गया हमारा कोच B2 जिसमें आज हमारी जर्नी होने वाली है। तो फाइनली गाइस वी डिपार्टेड फ्रॉम आसनसोल जंक्शन और कुछ 10 मिनट डिले के साथ हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। सो आज की जर्नी हमारी होने वाली है ट्रेन नंबर 12379 शालदा अमृतसर जलियांवाला बाग एक्सप्रेस में। टोटल डिस्टेंस आज हमारी गाड़ी कवर करने वाली है 1900 किलोमीटर का। शालदा से आ रही है, अमृतसर तक कवर करेगी ये जर्नी और इस जर्नी को कवर करने में लगते हैं 26 घंटे 50 मिनट। मतलब इस रूट की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन कह सकते हो आप। और इसके अलावा इसके टोटल 14 स्टॉप होने वाले हैं हमारी पूरी जर्नी में। जो जर्नी के स्टॉप रहेंगे वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पे रहेंगे। मतलब अभी बीच में धनबाद तक हमारी ट्रेन 2-3 जगह पे रुकेगी। मुगल सराय के बाद जो हमारी ट्रेन जर्नी होगी वो काफ़ी ज़्यादा थ्रिलिंग होने वाली है। एक राजधानी के बराबर चलेगी ये ट्रेन। और इसके अलावा मैं बात करूँ इसके टाइम की तो ये निकलती है शालदा से 1:10 पे और नेक्स्ट डे आप अमृतसर में होते हो 3:50। तो चलो अब जर्नी को एंजॉय करते हैं। बाकी भी जो इन्फॉर्मेशन होगी इस ट्रेन की आपको जर्नी के साथ साथ मैं बताता रहूँगा। फिलहाल आप यहाँ से हल्का सा डिपार्चर व्यू एंजॉय करो। सर जो व्यू का प्रॉब्लम होगा वो देख लेना, एडजस्ट कर लेना। अब सूरज की सीधी रोशनी कैमरे पे पड़ रही है और गोप्रो का फोकस इतना अच्छा भी नहीं रहता है। फिलहाल पूरी तरह हम लोग निकल चुके हैं आसनसोल से। अब हमारी ट्रेन का जो नेक्स्ट स्टॉप है वो है कुमार डूबी में। बहुत छोटा रेलवे स्टेशन है, अगर कवर कर सका तो कवर कर लूँगा। थोड़ी देर में हम लोग निकलेंगे सीतारामपुर जंक्शन से, जहाँ से एक लाइन चली जाती है पटना की तरफ और दूसरी लाइन गया की तरफ। तो हम जाने वाले हैं गया की तरफ।
हमारी जर्नी का फर्स्ट स्टॉप निकल चुका है, ये है कुमार डूबी। फाइनली वी रीच धनबाद रेलवे स्टेशन। कोल सिटी में आपका हार्दिक स्वागत है। कुछ 5 मिनट का स्टॉप हुआ है हमारा धनबाद में। हम लोग निकल चुके हैं धनबाद से। ये हमारी जर्नी का मतलब अपनी जर्नी का, आसनसोल से आ रहे हैं हम लोग, तो ये सेकंड स्टॉप था। फर्स्ट था कुमार डूबी, अब सेकंड है धनबाद। अब देखो धनबाद का डिपार्चर देख लो। इसके साथ मैं आपको बता दूं, धनबाद का स्टेशन कोड है DHN। टोटल 8 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 1880 में इस स्टेशन को ओपन किया गया था, और जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से चंद्रपुरा की तरफ एक लाइन चली जाती है। बाकी हम गया की तरफ जाने वाले हैं। एक लाइन चली जाती है धनबाद से सिंगरौली के लिए, उस लिए इसे जंक्शन कहा जाता है। वन ऑफ द बीजीएस एंड लार्गेस्ट रेलवे स्टेशन है झारखंड का, धनबाद रेलवे स्टेशन। और कोल सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं धनबाद को, ब्लैक डायमंड सिटी भी कह सकते हो आप इसे। आप लोग कभी धनबाद में आए हो कि नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फ़िलहाल धनबाद से हम लोग निकल चुके हैं, करते हैं बाय बाय धनबाद को। कुछ घाट सेक्शन एंजॉय करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा ताकि आप लोग बोर ना हो, और घाट सेक्शन को बहुत ही छोटे पार्ट में रखने वाला हूँ। तो चलो घाट सेक्शन को थोड़ा बहुत कवर करते हैं। Thank you.
68 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम लोग आ चुके हैं अभी गया में। गया स्टेशन कोड है GAYA। गया आप लोगों को पता होगा किस लिए फेमस है। गया फेमस है अपने बोध गया के लिए, बोध गया टेम्पल के लिए। काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है यहाँ से, अगर आप लोग यहाँ आते हो तो वहाँ विज़िट कर सकते हो। अब बात करें स्टेशन की तो टोटल आपको यहाँ पर 9 प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे, 142 ट्रेनों का स्टॉप है और 27 ट्रेनें ऑरिजिनेट और 27 टर्मिनेट होती हैं गया से। अभी हम लोग यहाँ तक 468 किलोमीटर का डिस्टेंस किए हैं, ये मैं आपको शियालदा से बता रहा हूँ, ये हमारी ट्रेन ने कवर किया है। वैसे मैं आपको बता दूँ 10 मिनट बिफोर हमारी ट्रेन यहाँ पे अराइव हुई है। अब निकलेगी अपने टाइम पे ही, और हम मैंने जो है डिनर मंगाया अपना। स्टैंडर्ड थाली बोलोगे तो 80 रुपये का मिल जाएगा, बाकी 150 रुपये की थाली, यहाँ तक ये 200 रुपये की थाली भी आपको देने का क्लेम करते हैं। अगर वो कैसे क्वालिटी है वो मैं साथ वाले पैसेंजर ने लिया, मैं आपको पूछ के बता दूंगा। फ़िलहाल मैंने स्टैंडर्ड थाली जो मंगाई है वो आपको दिखाऊंगा। नॉर्मल उन्होंने रोटी और वो दाल चावल एक सब्जी दे दिया है, अब देखते हैं आगे कैसा रहता है उसका टेस्ट। और दही नहीं दिया तो दही के बदले में वो स्वीट देंगे। अभी यहाँ से जब डिपार्चर होगा उसके बाद मैं आपको जो टेस्ट वगैरह होगा वो सब चीज़ बता दूंगा। तो गया में हम लोग 10 मिनट बिफोर आए थे और 5 मिनट के यहाँ पे स्टॉप हुआ है। कुल मिला के 15 मिनट का टोटल यहाँ पे स्टॉप हो गया है और हमारी ट्रेन अब निकल चुकी है। और इसके साथ ही हम लोग बिहार से भी निकल चुके हैं। पहले हम लोग बंगाल में थे, वेस्ट बंगाल से फिर हम लोग आए झारखंड में, झारखंड के बाद फिर अब हम लोग एंटर हुए बिहार में। बिहार से निकलने के बाद थोड़ी ही दूर जाने के बाद हम लोग एंटर हो जाएंगे यूपी में। अब मतलब देख लो इतनी छोटी सी जर्नी में हम लोग 4 स्टेट कवर कर रहे हैं। फिलहाल अपना जो डिनर है वो सीट पर ऑलरेडी रख दिया गया है, तो चलो मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ क्या मिला है हमें डिनर में। फिलहाल देख सकते हो सामने ये रखी हुई है स्टैंडर्ड थाली, देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है, बाकी टेस्ट कैसा रहता है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। फिलहाल काफ़ी देर के बाद कुछ खाने को मिल रहा है, तो पहले खाना ख़त्म करते हैं, उसके बाद इस खाने के बारे में मैं आपको अगले स्टेशन या सुबह बता दूंगा। सासाराम में सिर्फ हमारा 2 से 3 मिनट का स्टॉप हुआ है और हम लोग निकल चुके हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हमारा अराइव हुआ था। सासाराम पता है किस लिए जाना जाता है? पहले यहाँ पे जो लाइट थी वो नहीं हुआ करती थी, यहाँ के जो इलाके हैं आसपास में लाइट नहीं होती थी, तो यहाँ पे स्टेशन पे आके लोग पढ़ाई किया करते थे, इसलिए सासाराम जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। और अब जंक्शन इसलिए कहा जाता है इसे क्योंकि यहाँ से एक आरा की तरफ लाइन चली जाती है और अब जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं मुगल सराय, और लास्ट लाइन चली जाती है गया की तरफ, इसलिए इसे जंक्शन कहा जाता है। बाकी हम लोग सासाराम से निकल चुके हैं, अब हमारा अराइवल होगा मुगल सराय, तो सीधा मैं आपसे मिलता हूँ दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। द नेक्स्ट मॉर्निंग, सबलपुर जम्मू तवी, यानी जम्मू तवी से आ रही है सबलपुर की तरफ जा रही है, टाटा मोरी कह सकते हो इसे आप। और मैं अभी आपको एक रीज़न और बता दूं कि रात को मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन को कवर क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि जो हमारी गाड़ी है वो लगभग 20 मिनट पहले ही मुगल सराय में एंटर होने वाली थी, लेकिन आउटर में ही उसे रोक दिया गया और इतने में मुझे नींद आ गई और पता ही नहीं चला मुगल सराय रेलवे स्टेशन कब निकल गया। उसके बाद सीधा जो सुबह नींद उठ ली है
भाई बहुत अच्छी जर्नी रही, मतलब अच्छा यार कैसा। मिनट बिफोर हम लोग निकल रहे हैं यूपी के गाजियाबाद से। मे भी हो सकता है यहाँ स्टॉप हो जाए क्योंकि सिग्नल जो है वो रेड है। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी को कवर करने हैं हमने इस ट्रेन में, जो कि डेली रनिंग ट्रेन है। लालगढ़ से डिब्रूगढ़ जाती है ये। आठ बज के 13 मिनट हो रहे हैं अभी। सामने से अवध असम एक्सप्रेस का भी डिपार्चर हो चुका है। दिल्ली जंक्शन 20 मिनट बिफोर। सो फाइनली वी डिपार्टेड फ्रॉम ओल्ड दिल्ली जंक्शन और बिल्कुल अपने टाइम पे निकले हैं। 1 मिनट डिले हुआ है, छोटा सा डिले है। सुबह के 10 बज चुके हैं तो अभी ब्रेकफास्ट टाइम तो जो ब्रेकफास्ट का टाइम था वो निकल ही चुका है, लेकिन फिर भी हमने अभी ब्रेकफास्ट ट्राई करने के लिए मांगा है। अगर आप इस ट्रेन में जर्नी करते हो तो आपको पोहा, चाउमीन, ब्रेड कटलेट, ब्रेड ऑमलेट वगैरह की ये जो चीज़ें हैं मिल जाएंगी। तो अभी हमने ब्रेड कटलेट लिया है, आप देख सकते हो ब्रेड कटलेट कैसा है। दो स्लाइसेस ब्रेड के दिए हैं, दो कटलेट हैं और केचप है एक। ब्रेड कटलेट बटर लगा हुआ है, बटर चीज लगा हुआ है इस पर। कटलेट
की स्टफिंग देखेंगे कैसी है। फिलहाल मैं ट्राई करता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। अच्छे स्टॉपेज देने चाहिए अच्छे ट्रेन से, क्योंकि एक तरह से ये हिस्ट्री से रिलेटेड है ना हमारे। अगर स्टेशन इतना बड़ा है तो मतलब स्टॉपेज अच्छी होगी ट्रेनों की। तो समय से काफ़ी पहले हम लोगों का अराइवल हो रहा है अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन पे। और जानते हैं अम्बाला कैंट किस लिए जाना जाता है। अम्बाला अपनी बड़ी इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के प्रेजेंस की वजह से जाना जाता है। और जानते हो इसे इस्टेब्लिश कब किया गया था। इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1843। इसके अलावा यहाँ पे एक फेमस गुरुद्वारा है, मंजी साहिब गुरुद्वारा। अगर आप अम्बाला आते हो तो उस गुरुद्वारे में विज़िट ज़रूर करना। और अगर आप विज़िट कर चुके हो तो आपको कैसा लगा वो गुरुद्वारा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि जो हमारे व्यूवर्स किसी अलग स्टेट से देख रहे हैं तो उन्हें भी इस गुरुद्वारे के बारे में अवेयर किया जा सके, वो ताकि इस गुरुद्वारे में विज़िट करें। गाइस हम लोग अम्बाला पहुंच गए। इसका स्टेशन कोड है UMB और हमारे को पैसेंजर हमारे भाई प्रियांशु भाई हमें यहाँ अलविदा कह रहे हैं। तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर करोगे, कैसा रहा आपका जर्नी बताओ भैया। जर्नी तो बहुत ही अच्छा रहा, साथ में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, सीट ना मिलना, RAC का भी प्रॉब्लम जो कि हर पैसेंजर को होता है जो तत्काल में होते हैं हमारे। तो जर्नी तो बहुत ही अच्छी हमें लगी, हम लोग साथ में आए। फर्स्ट टाइम आपने RAC में RAC ट्रैवलिंग थी हमारी। हाँ। जर्नी अच्छा था हमारा, अच्छा लगा, एक साथ यादगार जर्नी बनी हमारी, बहुत अच्छी जर्नी। हमें भी आप याद आओगे। चलो चलते हैं। चलो हाँ, इनको अलविदा कहते हैं, बाद में आपसे मिलते हैं। चलो तो ये है कुछ हमारे 3rd AC का इंटीरियर, देख सकते हो थोड़ा रद्दी हालत में, लेकिन मैनेज कर लेना। साइड में भी आपको चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा, हर एक सीट पे एक सेपरेट चार्जर पॉइंट दिया गया है, आप लैपटॉप और अपना मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़। 12 मिनट बिफोर आई थी और कुछ 27 मिनट का हमारे यहाँ पे स्टॉप हुआ है और हम लोग निकल चुके हैं अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन से। प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे हमारा अराइव हुआ था। अब 7 प्लेटफॉर्म ही हैं यहाँ पे, इसलिए लास्ट प्लेटफॉर्म है, इसके बाद कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है। सामने खड़ी है हरिद्वार बीकानेर, शायद लोको रिवर्सल हुआ है यहाँ पे इसका।
लोग राजपुरा के आउटर पे रुके हुए हैं। मैं आपको ब्रेकफास्ट का टेस्ट बताना भूल गया था अम्बाला में, तो मैं आपको बता दूँ अगर आप इस ट्रेन में आते हो तो आपको बहुत सारे ब्रेकफास्ट मिल जाएंगे, जैसे चाउमीन हो गया, पोहा हो गया और ब्रेड ऑमलेट, ब्रेड कटलेट, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी ट्रेन में। और हमने ब्रेड कटलेट लिया था, तो प्रियांशु भाई ने भी वही लिया था, तो टेस्ट जो था काफ़ी अच्छा था, मतलब क्रिस्पी था और स्टफिंग जो थी वो भी अच्छी थी। तो खा सकते हो आप अपना ब्रेकफास्ट वगैरह जो है वो भी ले सकते हो। और डिनर की बात करूँ तो डिनर भी हमारा काफ़ी सही था, एवरेज था। जो क्वालिटी थी वो ठीक थी, लेकिन क्वांटिटी जो थी वो कम दी थी इन्होंने, 80 रुपये की थाली दी थी, बाकियों को 150 रुपये की दी थी। अब देखो अगर आप इस ट्रेन में चाहे किसी भी ट्रेन में जर्नी कर रहे हो ना, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आप कभी भी स्टैंडर्ड थाली मांगो तो आपको सस्ती मिलेगी और सेम चीज़ें रहती हैं। 150 की थाली भी लोगे तो उतनी चीज़ मिलेगी, बस थोड़ा थोड़ा बढ़ा के दे देते हैं तो 150 रुपये दोगे। इससे अच्छा अगर लेना है तो दो थाली कम से कम स्टैंडर्ड थाली खा लो, पेट भर जाएगा आराम से। और दही नहीं दिया था तो उसके बदले में स्वीट दे दिया था। फिलहाल अब हमारी ट्रेन निकल गई है, थोड़ी देर में मैं आपको यहाँ का इंटीरियर दिखा देता हूँ। चलो सो इस ट्रेन की जर्नी भी लुधियाना तक होने वाली है, तो अब जल्दी से मैं आपको यहाँ के वॉशरूम और बाहर का इंटीरियर दिखा देता हूँ, ताकि अपनी जर्नी को अच्छी तरह एंड किया जा सके। अंदर का इंटीरियर दिखा दिया, खाने की क्वालिटी के बारे में बता दिया, अब बस वॉशरूम बचा है और यहाँ का इंटीरियर कुछ इस तरीके का देख लो। डस्टबिन थोड़ा गंदा है अभी वो, क्योंकि लोगों ने अभी अपना लंच वगैरह कर लिया है। और मिरर हल्का सा गंदा है, कोच वैसे बता दूँ ब्रांड न्यू है, पानी और अच्छी तरह आता रहा है पूरे रास्ते, और लिक्विड शॉप भी इसमें भरा हुआ है। बाकी देख लो फायरिंग एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है, डस्टबिन को इग्नोर करना, वैसे साफ सफाई इसमें प्रॉपर कर रहे थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ट्रेन बिल्कुल साफ़ सुथरी है और जो स्टाफ है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, अच्छी तरह प्रॉपर सफाई रख रहे हैं, तो बुराई क्यों करना। बाकी चलो वॉशरूम दिखा देता हूँ कैसा है इस ट्रेन का वॉशरूम। फिलहाल आ चुका हूँ मैं अपने जलियांवाला बाग एक्सप्रेस के वॉशरूम में, देख लो कुछ इस हालत में है। वॉशरूम की कंडीशन भी एकदम साफ सुथरी है, गंदा नहीं है। हाँ यहाँ पे लिक्विड शॉप शुरू से ही नहीं था, अभी भी नहीं है, देख लो। और यहाँ पे स्मोक डिटेक्टर जो है वो बंद कर दिया गया है, किसी ने तोड़ दिया होगा, स्प्रे जेट दिया गया है। बायो टॉयलेट में है तो याद रखें, आते वॉशरूम में फ्लश वगैरह कर दिया करो, पानी इसमें भी प्रॉपर आ रहा है। बाकी आपके सामने है, कुछ ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊँगा, सब कुछ आपके सामने दिख रहा है। एकदम नीट एंड क्लीन ट्रेन है, साफ सफाई प्रॉपर रही है इस ट्रेन में। आप लोग इस ट्रेन को कितनी रेटिंग दोगे 10 में से, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, या आपने कभी इस ट्रेन में जर्नी की है तो उसके लिए भी अपना जर्नी एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में शेयर कर देना। तो बिल्कुल समय से हम लोग आ चुके हैं अभी लुधियाना में, अभी अराइवल हो रहा है, तो छोटा सा व्यू आप लुधियाना के अराइवल का एंजॉय करो, उसके बाद यहाँ पे हमारी लगभग जर्नी जो है वो ख़त्म होने वाली है, और इसके बाद ये ट्रेन अपनी डेस्टिनेशन अमृतसर की तरफ चली जाएगी। अच्छा आप लोग जब तक यहाँ का अराइवल हो रहा है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि आपको इस जर्नी में सबसे अच्छा क्या लगा, और अगर कुछ बेकार लगा तो वो चीज़ भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि वो आने वाले समय में मैं उस चीज़ को सही कर सकूं। सो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं लुधियाना में, और एक और जर्नी यहाँ पे एंड हो रही है। आई होप आप लोगों ने मेरे साथ इस छोटी सी जर्नी को एंजॉय किया होगा। छोटी सी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहले मैं बहुत बड़ी वीडियो बनाता था इस ट्रेन की, लेकिन इस बार थोड़ा छोटा किया है इसको। हो सकता है आपको अच्छा लगा हो ये पार्ट, तो पार्ट मीन्स ये जर्नी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी जर्नी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके शेयर करें, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। बाकी जर्नी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, ऑलरेडी मैं आपको हर एक चीज़ शेयर करता रहा हूँ। जर्नी अच्छी लगी तो अभी मैं दोबारा बोलूँगा, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल का हिस्सा बन जाएं, वीडियो को जितना हो सके शेयर करो, आपके सपोर्ट की नीड है। चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट जर्नी में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।